अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू क्रिएटिव क्यूब। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज जो वीडियो का टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया, उसकी स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग भी है और टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे लिए पेनफुल भी। ये बंच था तो आई सॉ समबडी जिसने वॉज में ऐसे करके बस डाला और बस। आप यकीन करें मैं इतनी परेशान, मैंने कहा ये क्या स्टोरी है यार। इतने प्यारे यू नो अल्लाह पाक ने नेचर में ट्रीज़ और हम लोग देखते रहते हैं, प्लांट्स देखते हैं, उसको तो थोड़ा सा ट्वीक करो, ट्वीक करके उसको प्रॉपर शेप दो, शेप में लेके आओ प्लांट को। मतलब आपने कभी नेचर में प्लांट्स ऐसे देखे हैं? अभी देखिए पहले वाला और बाद वाला, उसमें कितना डिफरेंस है। सो बस इस वाक्य के बाद तो मैंने सोच लिया कि मैंने आप लोगों के साथ ये बात ज़रूर करनी है। और एक और बात मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि मैं बिल्कुल परफेक्ट नहीं हूँ, कि मुझे सब रूल्स आते हैं, मुझे हर चीज़ का परफेक्टली पता है, नहीं पता। लेकिन कॉमन सेंस की जो चीज़ें हैं उनका अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आइडिया है। कुछ चीज़ें मैंने लर्न की, कुछ पढ़ी और कुछ ओवर द ईयर्स अपने एक्सपीरियंस से सीखी, तो वही बस मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आज हम बात करते हैं कि हमने जब फ्लावर अरेंजमेंट करनी होती है तो हमें बेसिकली किस तरह के चीज़ों की ज़रूरत होती है। चीज़ें तो नहीं मैं कहूँगी कि किस तरह के फ्लावर्स की ज़रूरत होती है। तो ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये है फोलिएज, इसको कहते हैं फोलिएज। ये फोलिएज जितने भी आपके ग्रीन लीव्स हैं, टेनिया हैं, ये तमाम फोलिएज ये डिफरेंट कलर्स के हो सकते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स एंड टेक्सचर्स के हो सकते हैं। तो पत्ते, ग्रीनरी, ये सारी आपकी फोलिएज कहलाती है, ठीक है, जो आपकी किसी भी अरेंजमेंट में यूज़ होती है। उसके बाद सेकेंड चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आपने अपनी अरेंजमेंट में फोकल फ्लावर या फोकल प्लांट कैसे सेलेक्ट करना है, उसका क्या क्राइटेरिया होता है और वो एक्चुअली है क्या। फोकल फ्लावर वो फ्लावर है जो मेनली आपने यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल वो रोज़ हो सकता है, क्रिसैंथेमम हो सकता है, ट्यूलिप हो सकता है, एनी फ्लावर। मेरे केस में जो अरेंजमेंट मैं आपके सामने भी बनाऊँगी उसमें मेरा फोकल फ्लावर हाइड्रेंजिया है, दैट इज़ ऑल्सो माई फेवरेट फ्लावर, ठीक है। और उसके बाद थर्ड चीज़ है ये जो मैं आपको अभी दिखा रही हूँ, इनको कहते हैं एक्सन फ्लावर्स। एक्सन फ्लावर्स बेसिकली आप ये समझो कि आपने अगर कोई पिंक फ्लावर्स यूज़ किए, ठीक है, तो सारा पिंक पिंक और ग्रीन ग्रीन बहुत यू नो आपको इरिटेट करेगा, आपकी आईज़ को इतना अच्छा नहीं लगेगा देखने में, एस्थेटिक्स उसके इतने अच्छे नहीं होंगे। हाँ, अगर आप उसके अंदर कोई उसे कम छोटे साइज़ का और फिलअप करने के लिए, इनको फिलर्स भी बोलते हैं। अच्छा, वो सब लोग जो ये काम करते हैं जो मैंने आपको बताया है वो प्लीज़ वीडियो एंड तक देखें, राइट, दिस लॉट टू लर्न। अच्छा, अब मैं आपके सामने एक अरेंजमेंट बनाने लगी हूँ, लेकिन उससे पहले मैंने आपको बताना है कि मुझे अरेंजमेंट ज़्यादा ग्लास जार्स में अच्छी लगती हैं, जो ऑलरेडी प्रिंटेड होते हैं या कोई क्रिस्टल के होते हैं, उनका अपना एक ऑरा होता है। तो मैंने आपके सामने एक बड़ा सा जो है वो ये कंटेनर लिया है, ग्लास का है, और इसके ऊपर मैंने टेप्स लगाई हैं। टेप से मैं ग्रिड बना रही हूँ, बिल्कुल चेक की तरह मैंने टेप्स लगा दी। अब मैं सबसे पहले इसके अंदर फोलिएज डालूंगी। फोलिएज मानी ग्रीन चीज़ें, ग्रीन पत्ते, ग्रीन टहनियाँ, और उसके बाद मैं इसमें एंटर कर रही हूँ तमाम फोकल फ्लावर्स। इन फोकल फ्लावर्स को आपने एक तरीके से अरेंज कर लेना है, विच मीन्स कि अगर एक साइड पे पिंक है दूसरी साइड पे भी होना चाहिए, अगर तीन फ्लावर हैं आपके पास एक जैसे तो एक आगे आएगा दो पीछे, यानी ट्राइंगल में आएंगे। अगर आपके पास चार हैं तो आप समझदार हैं
कि आपने उनको कहाँ यूज़ करना है। नाउ यू कैन सी द फाइनल लुक एंड दिस इज़ अ ब्यूटिफुल अरेंजमेंट। इसको मैंने कहीं और प्लेस किया हुआ है। लेट्स गो टूवर्ड्स अनदर वन। ये जो जार आप देख रहे हैं ये मैंने इसलिए सेलेक्ट किया कि वो गोल था और ये ज़रा टॉल हाइट में है, तो इसके अंदर मैंने कुछ मिट्टी भरी है और ऊपर मैंने कुछ रॉकरी के स्टोन्स दो या तीन रख दिए हैं। ये जो लकड़ी है ये ऐसे दरख्त का एक पीस पड़ा हुआ था, टेनी सी थी, उसमें से जो थिकर पार्ट था वो मैंने कटवा के तो रखा हुआ है। ये जार जो आप देख रहे हैं ये मेरे पास किचन में था, इसकी लिड गुम हो गई थी, तो मैंने कहा व्हाई नॉट यूज़ इट। इसको भी मैंने मिट्टी से फिल कर लिया और मैंने वही टोइन लेके और उसके गिर्द बांध के तो एक गिरा लगा लिया बिल्कुल मिडिल में। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ इसके साथ हम क्या करेंगे। लकड़ी के बिल्कुल दरमियान में हम इसको टाई कर देंगे ताकि ये बैलेंस हो जाए उसके ऊपर, राइट। और अब हम ये जो जार है अपना उसके अंदर इसको हैंग करेंगे, बट बिफोर दैट हम इसके अंदर कोई बेल कुछ इस तरह की ग्रीनरी वो ऐड कर देंगे कलर के लिए, और उसके बाद इसको हम इसके अंदर फिक्स करके और इस तरह से प्लेस कर लेंगे। अभी देखें अरेंजमेंट की फाइनल लुक, इट रियली लुक नाइस। इस तरह से आप डिफरेंट अरेंजमेंट्स बना सकते हैं और ये ज़रूरी नहीं है कि जिस तरह मैंने रखा है वैसे रखें। इसको मैंने और तरीके से भी रख के देखा, इट वॉज लुकिंग रियली गुड। बड़ा एलिगेंट लगता है, बिल्कुल टिपिकल नहीं लगता कि आपने बस फूल उठाए किसी चीज़ में डाल दिए, पत्ते उठाए किसी चीज़ में फेंक दिए। जो चीज़ आती है आपके पास आप उसको पर्सनलाइज करें। देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये। आई डोंट नो आप लोगों को अच्छा लगा या नहीं अच्छा लगा, पर अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और प्लीज़ शेयर करें। और 72% नाम में से ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, आते हैं वीडियो देख के भाग जाते हैं। तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब किया करें और इट्स टोटली फ्री। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।